नोट डाउन अ रूब्रिक जो बहुत कॉमन नहीं है बट कॉमनली पेशेंट हमें उसके बारे में बताता है और हम उसको यूज़ नहीं करते हैं बिकॉज वी डू नॉट नो दैट दिस काइंड ऑफ रूब्रिक रियली एग्जिस्ट. तो द रूब्रिक इज ड्वेल्स ऑन पास्ट डिसएग्रीएबल अकरेंसेस फ्राइटफुल सीन्स ऑफ सम मॉर्फुल इवेंट्स ऑफ द पास्ट टॉर्मेंटेड बाय अ एंड द मेडिसिन इज स्पॉन्जिया. इस रूब्रिक को अगर आपको समझना है तो देर इज़ अ वेब सीरीज कॉल्ड आखिरी सच जो बुराड़ी सुसाइडल डेथ्स पर बनी हुई है एंड उसमें एक कैरेक्टर है आन्या जो तमन्ना भाटिया प्ले कर रही है. उसका जो कंडीशन है ना वो ये रूब्रिक पूरी तरह से समझाता है. यानी कि उसको हर समय वो ऐसी चीज़ें जो पास्ट में हुई हुई हैं बहुत ही ख़राब हैं बार बार परेशान करती हैं. यानी कि उसको बहुत ज़्यादा इरिटेट करती हैं, टॉर्मेंटेड हुआ होता है और वो पास्ट की जो इवेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा फ्राइटफुल है. हाँ, बहुत ज़्यादा डरावनी है. वो उस बचपन में उसकी फ्रेंड की डेथ हो चुकी होती है या उसने शायद सुसाइड कर रखा होता है तो वो जो सीन होता है उसके डूबने का वो बार बार उसको दिखता रहता है और वो उसकी लाइफ मतलब बचपन से लेके अभी तक जो उसने लाइफ जी है वो हर समय उसके सामने चलता रहता है. तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट इवेंट होता है उसकी लाइफ का जो उसको बार बार टॉर्मेंट कर रहा है, परसिक्यूटेड फील हो रहा है उसको. उसकी वजह से वही चीज़ें दिखाई दे रही हैं और उसकी वजह से उसका जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है. वो साइकेट्रिक कंप्लेंट्स, उसका स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा होता है, उसका रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा होता है. तो आपको सीरीज़ देखिए, आपको पूरा का पूरा रूब्रिक अच्छे से समझ में आएगा. जो ये वाला रूब्रिक है वो पर्टिकुलरली उस पर्सन पे जो वो कैरेक्टर है आन्या उस पर अच्छे से फिट बैठता है. अच्छा, इसमें जो रूब्रिक है इतना बड़ा इम्पोर्टेंट तो है बहुत ज़्यादा, लेकिन इसमें मेडिसिन जो है वो एक ही है. तो हम कैसे यूज़ करते हैं इस तरीके के रूब्रिक्स को जिसमें एक ही मेडिसिन है? सिंगल मेडिसिन रूब्रिक्स को हमें कब यूज़ करना चाहिए? तो देखिए, सिंगल मेडिसिन रूब्रिक को हमें तब यूज़ करना चाहिए या तो वो रूब्रिक थ्रू एंड थ्रू केस में चल रहा हो. ठीक है, मतलब उसका पूरा या तो फिर थ्रू एंड थ्रू चल रहा हो या फिर कोर हो वो, है ना. वो उससे उसको डिजीजेस हो रही हैं, उससे उसको स्ट्रेस हो रहा है, उससे उसकी लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं. तो थ्रू एंड थ्रू जो चीज़ें उसकी लाइफ में हो रही हैं वो उस पर्टिकुलर रूब्रिक की वजह से हो रही हों. या तो वो रूब्रिक थ्रू एंड थ्रू केस में चल रहा हो या फिर रूब्रिक इंपॉर्टेंट हो, साथ ही साथ जो रूब्रिक में सिंगल मेडिसिन है उस मेडिसिन वो मेडिसिन थ्रू एंड थ्रू केस में चल रही है. यानी कि अगर स्पॉन्जिया की बात करें तो स्पॉन्जिया और भी चीज़ों में, जैसे हम पूरा केस ले रहे हैं और भी कंप्लेंट्स हैं या और भी उसका नेचर है जो हमें मेंटल सिखाई दे रहे हैं वो स्पॉन्जिया से मैच कर रहे हो, या तो स्पॉन्जिया थ्रू एंड थ्रू केस में चल रहा हो या फिर रूब्रिक थ्रू एंड थ्रू केस में चल रहा हो, तो हम सिंगल मेडिसिन रूब्रिक्स को अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं. थैंक यू.